ऐसी फैमिली ज्यादा मतलब कुछ था ही नहीं। मतलब हमारे फैमिली के पास कुछ, आपको जैसे पता है मेरे पापा हॉक करते गैस सिलेंडर का काम करते हैं, तो वहां से आना इतना दूर तो काफी टफ था मेरे लिए। आपको पता ही कि मुझे पहुंचे की जॉब मिल रही थी, वो बोल रहे थे कि सुबह लगा के चले आना। 5 छक्के जड़ने वाले रिंकू सिंह की कहानी आपको बताते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में 9 अप्रैल यानी कि रविवार को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसे फैंस कई सालों तक नहीं भूलेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए इस मुकाबले के मुख्य किरदार रहे रिंकू सिंह। बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने मुकाबले के आखिरी ओवर में ऐसा गजब और अद्भुत खेल दिखाया जिसकी तारीफ करने के लिए शब्द कम पड़ गए हैं। कोलकाता को आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन बनाने थे और उसकी हार लगभग तय दिख रही थी। गुजरात टाइटंस के कार्यवाहक कप्तान राशिद खान ने आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी बाएं हाथ के पेस बोलर यश दयाल को सौंपी। यश दयाल की पहली गेंद पर उमेश यादव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक रिंकू सिंह को दे दी। इसके बाद 25 साल के रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाकर टीम को जीत दिला दी। मुझे पता भी नहीं था कितने रन चाहिए थे उस टाइम, तो मैं मतलब मार तो चले, मैं थोड़ा अंदर से थोड़ा परेशान था। मतलब थोड़ा मैच वो हो गया था, तो मैं अंदर से मतलब यही सोच रहा था कि कोई बात नहीं। तो फिर मैंने बॉल मतलब छक्के लगते चले गए, और जब पता चली कि 2 बॉल में 10 चाहिए, तब मुझे पता चला कि कुछ हो सकता है मैच में। तो फिर वहां मैंने थोड़ा और तगड़ा बिलीव दिखाया, तो सर फिर मैच फिनिश कर दिया पूरे। रिंकू की पारी की शुरुआत तो काफी धीरे हुई। पहले 14 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 8 रन बनाए, लेकिन रिंकू ने जो आखिरी 7 गेंदें खेली उसमें उन्होंने 40 रन बनाए। कुल मिलाकर रिंकू सिंह ने 21 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 48 रन बनाए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले रिंकू 5 भाई बहन हैं। इनमें से ये तीसरे नंबर पर हैं। रिंकू के पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम करते थे। रिंकू को बचपन से ही क्रिकेट का शौक था, लेकिन पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस खेल में समय बर्बाद करे। इसके चलते रिंकू की कई बार जमकर पिटाई भी हो जाती थी। इसके बावजूद रिंकू ने क्रिकेट खेलना जारी रखा, लेकिन रिंकू के परिवार की आर्थिक स्थिति खराब बनी हुई थी। ऐसे में रिंकू ने नौकरी करने का फैसला किया। रिंकू ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछा लगाने की नौकरी मिली, लेकिन रिंकू का मन तो क्रिकेट में अटका हुआ था। रिंकू ने कुछ ही दिन में नौकरी छोड़ दी और पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगाया। रिंकू की मेहनत आखिरकार रंग लाई है जब 2014 में उन्हें उत्तर प्रदेश की ओर से लिस्ट ए और T20 क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला। रिंकू सिंह ने 2 साल बाद पंजाब के खिलाफ मुकाबले से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू भी किया। रिंकू ने उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते रहे। आईपीएल 2017 की नीलामी में रिंकू को किंग्स इलेवन पंजाब ने 10 लाख रुपए में खरीदा था। हालांकि उस सीजन उन्हें एक ही मुकाबला खेलने को मिला। साल 2018 के सीजन में रिंकू सिंह को 80 लाख रुपए की कीमत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम में शामिल किया। तब से वो केकेआर से जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा होते हैं 80 लाख, मतलब मेरी फैमिली ने इतना पैसा देगा नहीं कभी लाइफ में। हाँ मेरी फैमिली, हम साथ में देख रहे थे बैठ के, और उस टाइम मतलब मैं फोन में देख रहा था, फैमिली घर में देख रही थी, तो उस टाइम लाइट भी चली गई थी, तो फिर फोन में देखा हमारी फैमिली ने, तो मतलब जब मैं 80 लाख में वो पिक हुआ तो खुश थे पूरी फैमिली। एक इंटरव्यू में रिंकू ने बताया जब 80 लाख मिले तो उन पैसों से घर बनवाया, पापा को कार दिलवाई। उनका बहुत मन था कार लेने का, वो बहुत खुश हुए थे। रिंकू कहते हैं कि आईपीएल ने उनकी जिंदगी बदल दी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।